कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपराध के समय नाबालिग की याचिका ठुकराई है। कल सुबह दोषियों के फांसी का वक्त तय है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निर्भया के दोषियों के फांसी का वक्त कल तय है। कोर्ट ने अपराध के समय जो नाबालिग की याचिका रखी गई थी उसे मैडम आज क्या आया फैसला? देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में पवन की दूसरी क्यूरी पटिशन थी, आज वो खारिज हो गई, उसकी मर्जी तक खारिज हो गई है। लेकिन जो भी है ये जबरदस्ती है और मुझे पूरा उम्मीद है कि कल इनको फांसी होगी और निर्भया को इंसाफ मिलेगा, पूरे देश को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि अब ऐसी कोई एसएलपी कोई मर्सी नहीं है जो इस डेट को पोस्टपोन कराए। जो भी है अनलीगल है, जबरदस्ती है कि नहीं, जबरदस्ती का दिखाओ और फांसी को पोस्टपोन कराओ। तो ये अब सब अदालतों को पता है, खासकर पटियाला हाउस सुप्रीम कोर्ट में ये केस बार बार तीन चार महीने से चल रही है, पटियाला कोर्ट में साल भर से चल रहा है। तो अब ऐसा कोई मर्सी या सरकारी रेमडी नहीं है जो इस फांसी को पोस्टपोन कराए और मुझे अदालतों पे अपने न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है कि ये चौथा डेट वारंट है लेकिन ये फाइनल है और कल 5:30 बजे उनको फांसी होगी। निर्भया के मामले में अभी आज का खारिज की गई है, हमारे साथ निर्भया की मां है, क्या कहेंगे आप और क्या लगता है कि आप निर्भया को इंसाफ मिलने वाला है? होने की याचिका थी उसे ठुकरा दिया है और कल अब दोषियों के फांसी का वक्त तय है। ये माना जा रहा है कि कल सुबह दोषियों को फांसी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की है, दोषी पवन की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। निर्भया मामले को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल सुबह दोषियों की फांसी का वक्त तय है। निर्भया मामले को लेकर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निर्भया के मां के बयान को आप सुन रहे थे। कोर्ट ने अपराध के वक्त नाबालिग होने की याचिका को खारिज कर दिया है। निर्भया के दोषी पवन की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी गई है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, बड़ी खबर निर्भया मामले को लेकर, क्यूरेटिव याचिका जो दायर की गई थी नाबालिग होने की उसे खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दोषी पवन ने ये क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में और खुद को घटना के वक्त यानी कि जब ये वारदात हुई थी, क्राइम हुआ था, उस वक्त नाबालिग होने की बात कही थी, हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कुल मिलाकर देखें तो इसमें जो दोषी चारों हैं अभी जिन्हें कि कोर्ट ने दोषी करार दिया और इनके पास जो कानूनन अधिकार थे तरह तरह से जो भी है समय समय पे इन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन देखें तो ये अपने वकील के माध्यम से लगातार इस कोशिश में है, लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह इनकी जो फांसी है वो टल जाए। हालांकि ये इस प्रयास में है कि इनकी फांसी को, इन चारों दोषियों की जो फांसी है इसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ये तय हो चुका है। इन चारों दोषियों का जो है राष्ट्रपति ने भी दया याचिका खारिज कर दी है। तो ऐसे में अब यानी कि कल जो सुबह 5:30 बजे यानी कि कल 20 मार्च को जो सुबह 5:30 बजे इन चारों दोषियों को एक साथ फांसी होनी है, इसमें कहीं कोई अड़चन नजर नहीं आ रही है। शंकर, जो जानकारी निकल के आ रही है कि पटियाला हाउस कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है और वो याचिका इस तरह की है कि कई कोर्ट में अभी भी याचिकाएं लंबित हैं उसको लेकर याचिका है, तो अभी 12 बजे उस पर भी सुनवाई होनी है और लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई हथकंडे अपनाए जरूर जा रहे हैं दोषियों द्वारा। बिल्कुल, यही बात हमने अपने दर्शकों को अभी बताया भी कि ये जो दोषी हैं, चारों दोषी निर्भया मामले में हैं, ये अपने वकील के माध्यम से लगातार तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि किसी भी तरह इनकी फांसी टल जाए। और इसको लेकर हमने अपने दर्शकों को अपडेट भी किया था कि आज यानी कि इनको दोपहर पटियाला हाउस कोर्ट जो कि लोअर कोर्ट है यहाँ पे इन्होंने एक याचिका लगा रही, यहाँ जो याचिका है चारों दोषियों की तरफ से एक साथ लगाई गई, इसमें ये हवाला दिया गया है कि अभी भी उनके पास कुछ और कानूनी जो अधिकार है बचे हुए हैं उसका इस्तेमाल नहीं करने दिया गया है। इसको लेकर जो है कोर्ट ने पहले ही तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है
और अब कुछ ही देर में इस पे भी सुनवाई होनी है। वही दूसरे मामले जिसपे अभी हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने चार में से एक दोषी जो पवन है उसने ये याचिका दायर की थी कि वारदात जब हुई थी तो वो नाबालिग था, इसलिए उसे छूट दी जानी चाहिए या यूं कहें कि इस पे पुनर्विचार किया जाना चाहिए। कि देखने वाली बात यह है कि पटियाला हाउस कोर्ट में 12 बजे क्या कुछ सुनवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। गलत हैं यदि जुवेनाइल के कागज गलत हैं, जुवेनाइल नहीं है तो उस पर कोई एक्शन होना चाहिए। इसका मतलब ये माना है, कुछ नहीं ऑर्डर किया है, इसका मतलब माना है डॉक्यूमेंट सही हैं, कागज सही हैं, घटना के समय पवन जुवेनाइल था, लेकिन उसको मान नहीं रहे कोर्ट में। ये प्रेशर है, ये दबाव है, मीडिया ट्रायल। और क्या क्या पिटीशन आप फाइल कर रहे हैं अभी? नहीं अभी तो हमारा पटियाला हाउस में, उसके बाद देखते हैं जो भी प्रोसेस है। अभी हमें ऑर्डर नहीं मिल पाता है, ऑर्डर मिले उसके बाद तो फाइल करूंगा। कुछ ऑर्डर मिलेगा तब उसमें पढ़ूंगा क्या क्या लिखा है क्या क्या नहीं। एक्चुअली हमारी पिटीशन में होता ही है, पिटीशन फाइल होती है उससे पहले ऑर्डर तो टाइप हो जाता है, तैयार हो जाता है, लेकिन मिलता है आप लोगों को।